तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप? तो देखो भाई, मेरा ऑलरेडी इस सीजन 2 में कॉन्करर लग चुका है। और भाई देखो, मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को बताया था कि भाई मैं एक प्रॉपर सर्वाइवल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि भाई तुम लोग किस तरीके से कॉन्करर लॉबी या फिर भाई तुम लोग हैकर लॉबी बोल लो कि भाई तुम लोग कॉन्करर लॉबी को किस तरीके से सर्वाइव कर पाओगे। और देखो भाई, अगर तुम लोग को कॉन्करर जाना है तो भाई आज वाली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। मैं भाई तुम लोग को प्रॉपर हर एक सिंगल चीज बताया हूँ कि भाई तुमको किस तरीके से रोटेशन देना है, कहाँ कहाँ पे लूट करना है, कौन सा व्हीकल यूज करना है, कौन सा गन यूज करना है। लेकिन गाइस उससे पहले यहाँ पे देखो, दो बंदा रखा होता है भाई, दोनों बंदों को हम लोग बड़े ही आराम से मार देते हैं। और देखो गाइस, सबसे पहले भाई तुम लोग का होता है ड्रॉप लोकेशन। तो भाई कोई भी एक सिंगल तुम लोग ड्रॉप लोकेशन को चूज कर लो जहाँ पे भाई तुम लोग हर बार जंप करोगे। हर बार मतलब भाई, अगर वो ड्रॉप लोकेशन 2000-3000 मीटर दूर भी है ना, फिर भी तुम अपने ड्रॉप लोकेशन पे ही जंप करा करो। और गाइस देखो, जितना ज़्यादा हो सके भाई अर्ली फाइट को अवॉइड करो। भाई तुमको स्टार्टिंग में बिल्कुल फाइट नहीं लेना। और भाई यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे हम लोग अपना ड्रॉप पे भाई पूरा तरीके से लूटते हैं। और भाई लूटने के बाद हम लोग जोन का एज पे आके यहाँ पे होल्ड कर रहे हो। और भाई तुम लोग को भी सेम ही करना है, अपना सबसे पहले ड्रॉप लोकेशन पे जंप करो भाई, वहाँ पे पूरी तरीके से लूट करो। लूटने के बाद भाई डुओ में अगर तुम लोग कॉन्करर करें तो भाई कभी भी एक व्हीकल मत रखना भाई, हमेशा दो व्हीकल रखा करो। और भाई तुम लोग सबसे पहले जोन का एचपी होल्ड करो। और भाई यहाँ देख लो, हम लोग भाई यहाँ पे तब तक होल्ड करते हैं जब तक भाई जोन यहाँ से मूव नहीं करता है। और देखो गाइस, यहाँ पे जैसे ही जोन मूव किया भाई, हम लोग भी जोन के साथ ही साथ जोन के अंदर जाएंगे। और गाइस देखो, अगर तुम लोग जोन के अंदर जा रहे हो तो भाई तुमको उस साइड से जोन के अंदर जाना है भाई, जहाँ पे कोई भी बिल्डिंग ना हो, जहाँ पे भाई तुमको बिल्कुल फाइट ना लेना पड़े। और भाई जोन के अंदर तुमको भाई सबसे पहले एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे भाई पुश करना इतना ज़्यादा आसान ना हो। और भाई तुम लोग सबसे पहले अपना व्हीकल को सेफ रखना भाई। अगर तुम लोग को कॉन्करर जाना है तो भाई तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई तुम्हारा व्हीकल, उसके बिना भाई तुम लोग बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे हम लोग इस वाले कंपाउंड को आके होल्ड कर रहे होते हैं। और भाई अभी भी 40 बंदा बचा हुआ है। और भाई इस 40 बंदा में से कम 5 से 10 बंदा हैकर होगा। और भाई अगर तुम लोग को हैकर से सर्वाइव करना है तो भाई यहाँ पे तुम लोग जिस कंपाउंड पे होल्ड किए हो ना भाई, कंपाउंड के बाहर फाइट मत लेना, जितना ज़्यादा हो सके कंपाउंड के अंदर रह के फाइट लेना। और भाई अभी यहाँ पे हम लोग तब तक होल्ड करेंगे जब तक कि भाई जोन वापस से नहीं बनेगा। और भाई तुम लोग यहाँ पे देखते जाओ भाई, यहाँ पे मैं चारों बगल बंदे स्पॉट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तुमको भाई ऊपर हवा में एक बंदा दिखा होगा भाई, ये बंदा ऊपर हवा से ड्रॉप हुआ है अभी अभी। और यहाँ पे भाई हम लोग इस वाले बंदे को इजी फिनिश करेंगे। और देखो गाइस, कभी भी तुमको ओपन में रह के ज़्यादा टाइम के लिए फाइट नहीं लेना है। जैसे ही देखो मैं इस वाले बंदे को मारा, सबसे पहले कवर में आया और मैं इस बंदे का पेटी भी नहीं लूटता हूँ। और भाई यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे एक और टीम हमारे ऊपर पुश कर रही है, मतलब भाई दो बंदा अभी अभी और जंप किया है ऊपर पैराशूट से। और भाई यहाँ पे मैं ओपन में बिल्कुल फाइट नहीं ले रहा होता हूँ। यहाँ पे तुम लोग देखते जाओ इस वाले फाइट को हम लोग किस तरीके से निकालने वाले हैं। यहाँ पे एक बंदे को मेरा टीममेट ने नॉक किया, इसका दूसरा बंदा जस्ट मेरे पीछे आएगा। और यहाँ पे गाइस, इन दोनों बंदे को हम लोग इजी फिनिश करते हैं। और देखो गाइस, यही फायदा होता है भाई जब तुम्हारे पास प्रॉपर कवर रहेगा। और भाई यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग वापस से होल्ड करने वाले हैं जब तक कि जोन नहीं बनता है, ठीक है। और भाई यहाँ पे तुम लोग देखते जाओ भाई, यहाँ पे अभी भी कम से कम 26 से 27 बंदा जिंदा है। और भाई इसमें से कम से कम 5 बंदा तो हैकर है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अभी देखो जोन बन चुका है, लेकिन भाई अभी जोन जाने का जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि भाई अभी जो नल्ला हैकर जो जोन के बाहर घूम रहा होगा ना भाई, वो बंदा अभी बंदे मार रहा होगा। तो भाई मैं यहाँ पे कम से कम 50 सेकंड का वेट करता हूँ। और भाई अभी हम लोग निकलेंगे वापस से जोन के अंदर। और भाई तुमको सीधा सेंटर नहीं जाना है, तुमको भाई सबसे पहले जोन का एज वाला कंपाउंड को होल्ड करना है। और भाई ये वाला जोन तो भाई यहाँ पे बनना है, मतलब यहाँ पे चारों बगल तो सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तुम लोग भाई यहाँ पे देखते जाओ, जस्ट मेरे आगे हैकर होगा। और भाई एक हैकर जो मेरे को यहाँ पे मारने वाला है, मतलब मैं तुम लोग को क्या ही बताऊँ। देखो अगर मैं तुम लोग को सर्वाइवल टिप्स दे रहा हूँ तो भाई मैं तुम लोग को #2 तक तो सर्वाइव करना सिखा दूंगा, लेकिन भाई जो लास्ट टीम रहेगी वो टीम भाई दोनों का दोनों बंदा भाई हैकर रहेगा। तो भाई उसको तो भाई फिर मारना इम्पॉसिबल है भाई, कभी कभी तुक्का से तुम लोग मार पाओगे हैकर को, लेकिन ज़्यादा चांस है कि भाई हैकर तुमको मार जाए लास्ट वाली फाइट में। और भाई यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे हम लोग वापस से जोन के अंदर जाएंगे। और देखो इस 99.99% चांस है कि भाई हैकर तुमको मार देगा लास्ट वाली फाइट में, लेकिन भाई फिर भी 0.01% चांस रहेगा कि भाई तुम उस नल्ले हैकर को मार पाओगे। और भाई यहाँ पे दो देख रहे हो भाई, इस सांप के बच्चे को देख रहे हो भाई, बंदा ओपन में लेटा हुआ है लिटरली भाई। हैकर से तो भाई ज़्यादा खतरनाक इन जैसे बंदे होते हैं भाई, बिना कोई फुटस्टेप दिए भाई बंदा ओपन में लेटा खड़ा है। और भाई यहाँ पे देखो मेरा टीममेट भी नॉक हो चुका है, तो भाई यहाँ पे मैं सबसे पहले खुद को हील करूँगा।
और गाइस तुम लोग यहाँ पे देखते हो भाई, यहाँ पे जो हम लोग इस वाले कंपाउंड को होल्ड किए है ना भाई, चारों बगल इसका विंडो है, मतलब चारों बगल से भाई मेरे को बुलेट पड़ने वाली है। तो मैं सबसे पहले स्मोक कर दूंगा। और भाई यहाँ पे देखो मैं उस वाली टीम के ऊपर पुश नहीं कर रहा भाई जो टीम मेरे ऊपर कैंप कर रही है, और भाई देखो ऊपर वाला भी टीम मेरे ऊपर पुश नहीं कर रहा है। लेकिन भाई यहाँ देखो जो बंदा जोन के बाहर है उस बंदे को जोन के अंदर आना है। तो भाई तुम लोग उस बंदे का किल लेने का हमेशा ट्राई करो। अगर भाई तुम्हारे पास जोन है, जोन के अंदर प्रॉपर कवर है, तो भाई तुम लोग हमेशा ट्राई करो कि भाई जोन के बाहर से अगर कोई बंदा डैमेज खा के आ रहा है तो भाई तुम लोग उस वाले बंदे का किल निकाल सको। और भाई यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे मैं नॉक हो चुका हूँ, ऊपर से एक नीड भी आया है। और भाई यहाँ पे मैं जिस बंदे को नॉक किया भाई उसका किल तो भाई कोई और ही ले गया, मतलब मैं उस वाले बंदे को फिनिश नहीं कर पाया हूँ। लेकिन गाइस यहाँ जो टीम रहेगी भाई, ये टीम तुम्हारे भाई के ऊपर पुश करने वाली है यहाँ पे। लेकिन गाइस इस वाले बंदे को हम लोग देखो किस तरीके से मारने वाले हैं। मेरे को उस वाले बंदे का गन ग्लिच होकर दिख गया था। और यहाँ पे गाइस देखो सामने जस्ट मेरे एक हैकर भी है भाई सामने वाले बिल्डिंग में। उस बंदे का नाम है भाई कह के ले ली, मतलब भाई ठीक है भाई हैकरों का भाई नाम तो अजीब ही होता है, कह के ले ली, नल्ला हैकर, जादूगर, भाई मतलब हैकरों का नाम तो भाई ऐसा होता है कि भाई तुम लोग आराम से पहचान पाओगे कि भाई तुम्हारे मैच में कोई हैकर है कि नहीं है। और भाई देखो मेरे को भाई सबसे पहला हैकर मिला था इस वाले, मतलब इस सीजन की बात करो तो भाई तेरा बाप करके, मतलब भाई वो हैकर इतना ज़्यादा खतरनाक हैकर था ना, मतलब भाई 38 का किडी था उसका, और भाई स्पीड हैकर था वो। और भाई यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे ये बंदा अभी भी उसी जगह कैम्प कर रहा है। और गाइस देखो यही होता है प्रॉपर कॉन्करर लॉबी, मतलब भाई यहाँ पे कोई भी टीम किसी भी बंदे के ऊपर पुश नहीं करती है। और देखो गाइस तुम लोग भी जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर भाई बंदों को पुश होने दो भाई, ठीक है। तुम लोग किसी भी टीम के ऊपर पुश मत करा करो, क्योंकि देखो गाइस सर्वाइवल टाइम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, खासकर अगर तुम लोग कॉन्करर के लिए रैंक पुश कर रहे हो तो। अगर भाई देखो तुम्हारा 2-3 भी किल है ना, और भाई अगर तुम लोग #2 या फिर भाई अगर #3 पे मरोगे तुमको भाई कम से कम 18-19 का प्लस देगा। और भाई यहाँ पे देख लो भाई ये ढीठ बंदा अभी भी उसी जगह बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक मौली करूंगा बंदे को। भाई मौली लग गई, बंदा ओपन में आया। और भाई यहाँ पे इस वाले बंदे को हम लोग नॉक फिनिश कर देते हैं। इसका भाई टीममेट बचाने तक नहीं आया यहाँ पे, मतलब इसका टीममेट भाई इसको मरने के लिए छोड़ दिया। और भाई यहाँ देख लो हम लोग को जोन के अंदर जाना है, हमारे जस्ट आगे हैकर है। और भाई यहाँ पे इस वाले हैकर के पास देखो भाई वॉल हैक भी होता है, मतलब भाई बंदा वॉल के आर पार मार रहा था, देखते जाओ यहाँ पे। लेकिन गाइस फिर भी हम लोग #2 आ गए किसी तरीके से। और भाई देखो यही थी आज की वीडियो। और भाई अगर तुम लोग को आज वाला वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर से करना। और गाइस अगर तुम लोग अपने भाई के चैनल पे नए हो तो भाई तुम लोग सब्सक्राइब करो यार, हम लोग को जल्दी से 150 की क्रॉस करें। और भाई यहाँ देख लो भाई ये नल्ला हैकर तुम्हारे भाई के ऊपर पुश करेगा, और भाई यहाँ पे ये दोनों बंदे को मार देगा, मतलब भाई मेरे को और भाई मेरा टीममेट को। मेरा टीममेट को भाई तुम लोग HP देख रहे हो, 1 HP छोरा भाई। और भाई ये बंदा AKM में सप्रेसर लगा के भाई 6x के साथ मार रहा है। तुम लोग भाई यहाँ पे मेरा एक बार को डेथ रिप्ले देख लो, ठीक है। और गाइस देखो अगर तुम लोग को भाई ये वाले टिप्स अच्छी लगी हो ना तो भाई वीडियो को शेयर जरूर से करना, ठीक है। चलो बाय। Yeah.